हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे टॉप 15 ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट, जिनमें स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट वन भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं मेरे टॉप 15 ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट, जिसका ये सेकेंड पार्ट है। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि आज के वीडियो के लिए मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट चूज किए हैं जो कि है मेरे ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहली बात यह है कि आज के वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये हर रेंज में है, अफोर्डेबल भी हैं, थोड़े से महंगे भी हैं, और ये सारे ही प्रोडक्ट मुझे पसंद हैं। मैंने इनके वीडियोस में भी, रिव्यू वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया है। मैंने बहुत बार इन प्रोडक्ट को आपके साथ शेयर किया है कि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनका वर्क मेरे लिए अच्छा रहा है। अगर इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट आपको नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप के लिए नहीं होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छा वर्क करते हैं लेकिन उनका वर्क मेरे लिए अच्छा नहीं होता है, या बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा काम करते हैं लेकिन उनका वर्क आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को पसंद करना या ना पसंद करना हमारे पर्सनल चॉइस और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात यह है कि इन सारे ही प्रोडक्ट की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन केस अगर आप चेक करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आई थिंक मैंने सारी बातें, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को, क्योंकि प्रोडक्ट काफ़ी सारे हैं तो इनका कोई सीरियल नहीं है। जो भी प्रोडक्ट मेरे हाथ में आते जाएंगे मैं उन्हें एक एक करके आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रोज वाटर से, और आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि मुझे रोज वाटर बहुत पसंद है और मैंने कई सारे ब्रांड के रोज वाटर ट्राई किए हैं, क्योंकि रोज वाटर मेरी स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, उसका वर्क मेरे लिए काफी अच्छा होता है। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये है बंजारा का प्रीमियम रोज़ वाटर, और इसका प्राइस है 28 रुपीज़, जिसमें कि आपको 60 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ सिर्फ 12 मंथ है, मतलब एक साल है। और ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकती हैं। जब मैंने इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम बाय किया था तो मैंने इसके रिव्यू वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे ये रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे आपको पता ही होगा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट पतंजलि रोज वाटर है, लेकिन उसके साथ साथ ये रोज वाटर भी मेरा अभी तक का फेवरेट रोज वाटर है और इसका वर्क मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। मैं इसे एज अ टोनर भी यूज़ करती हूँ, एज अ फेस मिस्ट भी यूज़ करती हूँ, मेकअप को सेट करने के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ स्प्रे बॉटल में डाल के, और मेकअप से पहले भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने के लिए यूज़ करती हूँ। फेस पैक DIY करने के लिए भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो इनफैक्ट ये है कि रोज़ वाटर को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकती हैं, जैसे भी आप इसे यूज़ करना चाहें। और फिलहाल मेरे लिए तो ये रोज़ वाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, इसलिए ये मेरी फेवरेट लिस्ट में हमेशा ही रहने वाला है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, मैंने ऐसे कई सारे वीडियोज़ देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जिनमें इस रोज़ वाटर को ये कहा गया है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही घटिया है, ऐसा वैसा। देखिए, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि हर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप के लिए नहीं होता है, या हर स्किन के लिए नहीं होता है, डिपेंड करता है हमारी पर्सनल चॉइस पे और उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस पे। मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा रहा है, इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है। अब बारी आती है एक फेस पैक की, जो कि है बेला विटा का ऑयल कंट्रोल एंटी एक्ने नीम चंदन फेस पैक, और इसका प्राइस है 799 रुपीज़, जिसमें कि आपको 50 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है। ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकती हैं। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट सभी केमिकल से फ्री है, जैसे कि इसमें कोई पैराबेन नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा
प्रिजर्वेटिव नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस इसमें ऐड किया गया है। ये पेट्रोकेमिकल से भी फ्री है, मतलब टोटल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हर केमिकल से फ्री है। और इसकी स्मेल की अगर मैं बात करूँ तो जो चंदन पाउडर और गुलाब जल में स्मेल होती है दोनों को मिक्स करने के बाद, एग्जैक्ट वैसी ही स्मेल है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले बाय किया था और मैं इसे रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इसे तभी यूज़ करती हूँ जब मेरे फेस पे पिंपल्स होते हैं या मेरी स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी प्रोडक्ट का रिएक्शन हो जाए या मेरी स्किन पे ब्रेकआउट होने लगे, तभी मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद मेरे फेस पे पिंपल्स के मार्क्स नहीं पड़ते हैं, और जो थोड़े बहुत मार्क्स पड़ भी जाते हैं तो वो बड़ी जल्दी रिमूव हो जाते हैं। और मेरी स्किन इसे यूज़ करने के बाद बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, स्पेशली स्किन भी और पोर्स भी। तो इसलिए मुझे ये फेस पैक बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके भी मैंने बहुत मिक्स रिव्यूज़ सुने थे, बट मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं है। मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, मेरे लिए इसका वर्क अच्छा रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ऑरिगेंस का प्योर एंड नेचुरल ऑरेंज पील पाउडर। मैंने इससे पहले कोई भी पील पाउडर नहीं यूज़ किया था इससे पहले। इसका प्राइस है 247 रुपीज़, जिसमें आपको 100 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है। ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। फिलहाल मैं इसे मैंने एक दो बार इसे पहले भी ट्राई किया था, लेकिन फिर बीच में मैंने इसे रेगुलर स्टार्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कभी सिर्फ पानी में मिक्स करके या रोज़ वाटर में मिक्स करके, या कभी एलोवेरा जेल, मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा DIY करके। लेकिन ऑरेंज पील पाउडर, स्पेशली ये ऑरेंज पील पाउडर, इसका वर्क मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपकी स्किन पे पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि ऑरेंज पील पाउडर आपकी स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देता है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और विटामिन सी भी होता है। तो विटामिन सी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक बात, अगर आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव है तो प्लीज़ पहले पैच टेस्ट जरूर करिएगा, क्योंकि विटामिन सी है इसमें। तो सेंसिटिव स्किन को पता नहीं होता है कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही होने वाला है और कौन सा प्रोडक्ट उनकी स्किन के साथ रिएक्ट कर जाए। इसलिए पहले पैच टेस्ट कर लें और क्लियर कर लें कि हाँ प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। मैंने भी पैच टेस्ट किया था, उसके बाद मैंने इसे रेगुलर कंटिन्यू यूज़ करना स्टार्ट किया। तो ये था मेरा थर्ड प्रोडक्ट। अब बारी आती है फोर्थ प्रोडक्ट की, नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है NYB का लिक्विड आईलाइनर। इसके प्राइस को लेके मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, बट ये अंडर 200 रुपीज़ है। इसमें कई सारे शेड आते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाई कर सकती हैं। मैंने इसमें जो शेड बाई किया है वो है ब्लू, जो कि क्लियर दिख रहा है। ये मैट आईलाइनर है और शेड जो आप देख रहे हैं एग्जैक्ट यही शेड इसका है। और ये लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ स्मज प्रूफ आईलाइनर है। अगर आप अपने लिए एक ऐसा आईलाइनर अप्लाई बाय करना चाह रही हैं जिसे अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत ना हो कि अरे कहीं रिमूव तो नहीं हो गया, कहीं ब्लीड तो नहीं हो रहा है, तो आपको ये आईलाइनर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी A1 है। सिर्फ एक इसका डाउनसाइड है कि इसका जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ब्रश है, ये थोड़ा सा बड़ा छोटा है और ये चीज़ थोड़ा सा मोटा कर दिया। अगर इसे थोड़ा सा पतला रखते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये आइज़ को ऐसे कवर कर लेता है तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है। बाकी प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है। और अगर आप अपने लिए एक अच्छा आईलाइनर सर्च कर रही हैं तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकती हैं, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा।
अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक परफ्यूम और ये है बॉडी क्यूपिड का परफ्यूम। और इसमें जो मेरा वेरिएंट है या फ्लेवर है वो है रोज बर्ड, क्योंकि इसमें कई अलग अलग वेरिएंट आते हैं तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी वेरिएंट बाई कर सकती हैं। इसके प्राइस को लेके मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ क्योंकि मैंने इसकी आउटर पैकेजिंग थ्रो कर दी है और इसकी जो इनर पैकेजिंग है मतलब ये बॉटल, इस पर कहीं पर भी इसका प्राइस मैंशन नहीं किया गया है। बट आई थिंक 799 के अंडर ही है ये प्रोडक्ट, तो आप इसे ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि परफ्यूम तो सारे ही अच्छे होते हैं तो इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। मेरी नोज सेंसिटिव है, मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। एलर्जी से सेंस ये है कि जब भी मैं परफ्यूम खुद यूज़ करती हूँ, वैसे तो मैं परफ्यूम नहीं यूज़ करती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, जब भी कोई और भी परफ्यूम यूज़ करता है तो मुझे जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। मुझे लगता है कि मेरा सर जो है वो भारी हो रहा है, सर दर्द भी होने लगता है। तो इस वजह से मैं परफ्यूम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी और मुझे पसंद भी नहीं आता था कि मेरे आसपास कोई परफ्यूम यूज़ करे। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, परफ्यूम ऐसे भी हैं जो मेरे लिए बने हों। इसकी स्मेल लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन बहुत भीनी भीनी सी स्मेल आती है कि ना तो बगल वाले को कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इतनी मीठी सी इसमें स्मेल है, इसमें फ्रेग्रेंस है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि वो फीलिंग क्या होती है। लेकिन अगर आप अपने लिए एक माइल्ड सा लॉन्ग लास्टिंग अच्छा परफ्यूम सर्च कर रही हैं तो आप इस वेरिएंट को, स्पेशली रोज़ बर्ड को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और वैसे भी अगर आप परफ्यूम की शौकीन हैं तो आप इस परफ्यूम को ज़रूर ट्राई करिएगा। फ़िलहाल इसे यूज़ करने के बाद मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी परफ्यूम की शौकीन हो गई हूँ। बट सेम प्रॉब्लम है कि परफ्यूम कहीं स्ट्रॉन्ग ना निकल जाए, मैं इसी वजह से परफ्यूम जो है वो बाय करने से थोड़ा सा घबराती हूँ। बाकी ये परफ्यूम बहुत अच्छा है और इसे देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये परफ्यूम कितना अच्छा है, क्योंकि मैंने इसे फिनिश कर दिया है, थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बचा है। तो परफ्यूम ज़रूर ट्राई करिएगा, शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और ऐसे में तो महकना बनता ही है, तो आप इस परफ्यूम को ट्राई कर सकती हैं अगर आप अपने लिए न्यू परफ्यूम बाय करने जा रही हैं तो। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक हेयर मास्क और इसे देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा पसंद है। मैंने अपने हेयर केयर वीडियो में भी, जो कि मेरा फेवरेट हेयर केयर प्रोडक्ट करंट हेयर केयर रूटीन का था, उसमें भी मैंने ये हेयर मास्क आप लोगों के साथ शेयर किया था। फिलहाल इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 1499 रुपीज़, और इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो है 250 ml की। और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे बेनिफिट, और ये क्रूल्टी फ्री है, बहुत सारी इसमें क्लेम्स जो भी हैं सब कुछ मेंशन किया गया है, तो आप चाहें तो उन्हें इजीली चेक कर सकते हैं। पैराबेन फ्री है, SLS फ्री है, हार्श डिटर्जेंट से फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस या कलर्स से भी फ्री है। तो प्रोडक्ट जो है वो प्योर है, आप उसे यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकती हैं। अब यूज़ करने के लिए मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, ड्राई से मतलब ये है कि जिनके बाल हमेशा अनमैनेजेबल, फ्रीजी और बिल्कुल भी सॉफ्ट, स्मूथ या सिल्की शाइनी नहीं होते हैं, उनके लिए ये हेयर मास्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि मेरे बाल आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं और ड्राई या अनमैनेजेबल भी नहीं रहते हैं, तो मैं इसे 2 वीक में एक बार या मंथ में एक बार ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बालों को इतने अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और इतनी अच्छे से मैनेजेबल बना देता है कि मैं क्या कहूँ। आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा अगर आपके बाल ड्राई और फ्रिजी है। वैसे अगर आपके बाल कलर ट्रीटेड हैं तब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकती हैं। और इससे रिलेटेड एक बात और है कि वैसे मेरा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ तक आ गया है कि अगर आपको लौंग की स्मेल पसंद होगी, लौंग इलायची जो होती है, लौंग की स्मेल, तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें लौंग की स्मेल है। फिलहाल मुझे बहुत अच्छी लगती है,
जब आप हेयर वॉश भी कर देंगे इसे अप्लाई करने के बाद, तब भी आपके बालों से वो भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसके लिए भी यूज़ कर सकती हैं कि अगर आपके बालों में से थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आती है तो आप उससे रिमूव करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकती हैं। बाकी तो ये आपके बालों के लिए बेनिफिशियल होने ही वाला है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वैसे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है बट सेल पे अगर आप बाई करेंगी तो इससे कम प्राइस में आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है काजल, और ये है NYWay का काजल। इसका प्राइस जब मैंने बाई किया था तब 85 था, अभी मुझे पता नहीं है कि इसका प्राइस क्या है, और काफ़ी टाइम से मैंने इसे बाई भी नहीं किया है, फिलहाल बहुत जल्दी बाई करने वाली हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि इस काजल में ऐसी क्या खास बात है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी आईज जो है वो बहुत ज़्यादा वॉटरी हैं, जैसे कि मेरी है, तो मेरी वाटर लाइन में कोई भी काजल 15 मिनट 20 मिनट या एक घंटे, इससे ज़्यादा कोई भी काजल स्टे करता ही नहीं है। बट ये काजल बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मेरी वाटर लाइन में भी ये काजल बहुत देर तक टिका रहता है, इसलिए भी मुझे ये काजल बहुत ज़्यादा पसंद है। अफोर्डेबल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप ट्राई करना चाहें तो ईजिली ट्राई कर सकती हैं। इसमें भी एक डाउनसाइड है कि ये काजल सिर्फ और सिर्फ पर्पल ऐप पे या पर्पल की वेबसाइट पे ही मिलेगा। मुझे ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बाकी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप बाई करना चाहें तो आप इसे पर्पल ऐप से या पर्पल की वेबसाइट से बाई कर सकती हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि है मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। इसका प्राइस है 199 रुपीज़। इसमें कई सारे अलग अलग शेड आते हैं, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी शेड आपके लिए सही हो आप उसे बाई कर सकती हैं। मेरा जो इसमें शेड है वो है लाइट बेज, और अभी तक तो मुझे वैसे लैक्मी का अल्ट्रा फ्रेश कॉम्पैक्ट आता है, एक सन एक्सपर्ट अल्ट्रा कॉम्पैक्ट, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि उसकी कवरेज बहुत अच्छी थी, लॉन्ग लास्टिंग था, तो वो कॉम्पैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। बट अभी मुझे ये कॉम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसकी कवरेज भी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, और मेकअप को बहुत अच्छे से सेट भी कर देता है। और अगर आप मेरी तरह हैं कि जिन्हें बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन, कंसीलर डेली वियर करना नहीं पसंद है, तो आप सिर्फ कॉम्पैक्ट से भी अपना मेकअप कर सकती हैं। मैंने एक वीडियो में इसे यूज़ करके अपना मेकअप लुक क्रिएट किया था, और कवरेज भी काफ़ी अच्छी खासी है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट हैं, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, अंडर आई डार्क सर्कल हैं, तो आपके लिए ये इनफ नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल सी है और हल्के फुल्के डार्क स्पॉट हैं, या फिर आपको हल्की फुल्की कवरेज पसंद है, तो आपको ये कॉम्पैक्ट भी बहुत पसंद आएगा। आप इसे हमेशा यूज़ कर सकती हैं, और ऑल स्किन टाइप वाले इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल, और इसमें जो मेरा शेड है वो है ब्राउन, क्योंकि जब मैंने इसे बाय किया था तब इसमें सिर्फ दो ही शेड आते थे, ब्राउन और ब्लैक। अभी तो इसमें बहुत सारे शेड ऐड हो गए हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाय कर सकती हैं। इसका प्राइस जब मैंने बाय किया था 65 था, बट अभी इसका प्राइस भी बढ़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने मैं क्यों कह रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इसे आई थिंक 1.5 या 2 साल पहले बाय किया था, इसलिए जब मैंने यूज़ कर रही हूँ। बाकी आईब्रो पेंसिल बहुत अच्छी है, बिगिनर हैं तब भी बहुत अच्छी हैं, प्रो हैं, एक्सपर्ट हो गई हैं तब भी बहुत अच्छी है, एवरीडे के लिए भी अच्छी है, पार्टी फंक्शन के लिए भी अच्छी है, क्योंकि वाटरप्रूफ है तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। देखिए पाउडर के साथ क्या होता है कि अगर आपने उसे हल्का सा भी टच किया तो वो फेड हो जाता है, या आपको पसीना आया तो पाउडर बहने लगता है या मिक्स होने लगता है, लेकिन इसके साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत नेचुरल फिनिश देता है। आप अपनी आईब्रोज के अकॉर्डिंग शेड बाई कर सकती हैं, लेकिन ब्राउन या ग्रे शेड जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने इसमें ब्राउन ही बाई किया था।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेकअप रेवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट। इसमें पहले आई थिंक 4 ही पैलेट आते थे, बट अभी इसमें भी बहुत सारे शेड ऐड हो गए हैं। एक पैलेट आता है जो पूरा कलरफुल है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी पैलेट बाई कर सकते हैं। मेरे पास इसमें 2 पैलेट हैं, पहला है न्यूट्रल्स 2 और दूसरा है वेलवेट रोज। हर पैलेट का प्राइस है 850 रुपीज़, जिसमें कि आपको इतने सारे आई शेडो कलर मिलते हैं, जिन्हें यूज़ करके आप एवरीडे के साथ साथ पार्टी फंक्शन का भी मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं, डे टाइम का भी और नाइट टाइम का भी। तो फिलहाल ये आई शेडो पैलेट बहुत अच्छे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तब भी, अगर आप मेकअप में एक्सपर्ट हो गई हैं तब भी, आई शेडो पैलेट बहुत अच्छा है। ब्लेंडिंग परफेक्ट है, मतलब क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है, आपको बहुत पसंद आएंगे और शेड भी बहुत अच्छे हैं। फिलहाल मुझे तो ये आई शेडो पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि एक आई शेडो पैलेट आपको ऐसा बाई करना चाहिए जिसे यूज़ करके आप अपना एक आई लुक क्रिएट करिए, कि इसमें सारे मेटैलिक शेड हैं या ग्लिटरी शेड हैं, शाइनी शेड हैं, तो मुझे उसके लिए दूसरा मैट शेड चाहिए क्रीज के लिए। तो ऐसा आई शेडो पैलेट बाई करिए जिसमें आपको सारे शेड मिल जाएं, और ये आई शेडो पैलेट ऐसे ही हैं, इनमें आपको सारे शेड मिल जाएंगे, मैट या शाइनी ग्लिटरी जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। काफ़ी यूनिवर्सल पैलेट है, तो आप इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकती हैं, आई शेडो की तरह, आईब्रो पेंसिल की तरह, आईब्रो फिलिंग भी कर सकती हैं, ब्लश की तरह भी, कंटूरिंग भी, सब कुछ। तो आई शेडो पैलेट जो है वो ऐसा ही बाय करिए कि आप उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकें और वो ज़्यादा वर्सेटाइल हो। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है टी ट्री ऑयल, और ये है एल्प गुडनेस का टी ट्री ऑयल, और इसका प्राइस है 135 रुपीज़, जिसमें कि आपको 10 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है। मैंने टी ट्री ऑयल भी आई थिंक 3 या 4 ब्रांड के ट्राई किए हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल यही रहा है। सिर्फ प्राइस इसका कम है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कि आप ये मत सोचिएगा कि अरे इतना कम प्राइस है तो क्वालिटी कम होगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप सोचे होंगे कि टी ट्री ऑयल इतना बेनिफिशियल क्यों है। अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली के साथ साथ भगवान ने आपको पिंपल और एक्ने प्रोन स्किन भी दी है, तो आपको टी ट्री ऑयल ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये पिंपल और एक्ने को ठीक करने का ही काम नहीं करते, बल्कि पिंपल और एक्ने के जो मार्क्स होते हैं उन्हें भी रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो ट्राई कर सकती हैं। और टी ट्री ऑयल का जो यूज़ है वो यहीं पे नहीं रुकता है, आप इसे डैंड्रफ रिमूव करने के लिए या फिर अलग अलग प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये कितना यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। और अगर मैं इस टी ट्री ऑयल की बात करूँ तो शायद मैंने 2 या 3 बॉटल तो मैंने सिर्फ एल्प गुडनेस के ही यूज़ कर डाले हैं, बाकी जो गुड वाइब्स का और 1-2 ब्रांड का मैंने और भी ट्राई किया था, उसकी बात ही अलग है। तो अगर आपकी स्किन जो है वो एक्ने और पिंपल प्रोन है, तो आपको टी ट्री ऑयल जरूर यूज़ करना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हिमालय से, और ये है इनका ऑयल फ्री रेडियंस जेल क्रीम, जो कि है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए। इसका प्राइस है 235 रुपीज़, जिसमें आपको 50 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है, पिंपल और एक्ने प्रोन है, तो आपको ये जेल क्रीम जरूर ट्राई करनी चाहिए। सुपर लाइट वेट है, क्योंकि जेल क्रीम है, तो ये आपकी स्किन के जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे कंट्रोल करके रखेगा, साथ ही साथ आपके पिंपल और एक्ने को भी बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि ये स्किन पे लाइट वेट रहता है। और जेल क्रीम ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने इसके भी काफ़ी मिक्स रिव्यू सुने थे, बट मैंने कभी रिव्यू पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि हिमालय की ऑयल फ्री रेडियंस जेल क्रीम कैसी है, तो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली, पिंपल प्रोन, एक्ने प्रोन है, तो आपको ये क्रीम जरूर ट्राई करनी चाहिए, आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हाइलाइटर, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर।
इसका प्राइस है 499 रुपीज़। और इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो है 5 ग्राम की आई थिंक। और इसमें कई सारे शेड आते हैं, आई थिंक 3 या 4 शेड आते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाई कर सकती हैं। मेरा जो इसमें शेड है वो है प्रीसियस पेटल। और वैसे अगर आप इंडियन स्किन टोन में हैं तो आपके लिए ये शेड बहुत अच्छा होगा, चाहे आपका स्किन कलर जो है वो थोड़ा सा डाउन है या चाहे आप बहुत फेयर स्किन टोन की हों, ब्राउन स्किन टोन की हो, जो भी आपकी स्किन का कलर हो, आपके लिए ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हाइलाइटर इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सुपर पिगमेंटेड है और इंटेंस कलर पे ऑफ है। इसके जो कलर पे ऑफ है आप उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती हैं। अगर आपको बहुत सटल सा, बहुत हल्का सा हाइलाइटर पसंद है तो आप वैसे अप्लाई करिए, अगर आपको बहुत इंटेंस हाइलाइटर पसंद है तो आप वैसे अप्लाई करिए, जैसे अप्लाई करना चाहें आप कर सकती हैं। लेकिन यह हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है और क्वालिटी भी इनफ होती है, इतनी जल्दी आपका ये हाइलाइटर फिनिश नहीं होने वाला है। अगर आप डेली भी वियर करती हैं, वैसे कोई डेली हाइलाइटर नहीं वियर करता है एवरीडे में, बट फिर भी अगर आप डेली भी वियर करती हैं तब भी ये आपका हाइलाइटर इतनी जल्दी फिनिश नहीं होने वाला है। और बड़ा फाइन सा हाइलाइटर है, बिल्कुल भी चंकी सा नहीं है, ये देखिए बहुत अच्छा सा शेड है और बहुत अच्छा ग्लो आता है फेस पे। तो फिलहाल बहुत अच्छा हाइलाइटर है, आपको पसंद आएगा, आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकती हैं। फिलहाल मेरा तो ये फेवरेट हाइलाइटर है और मुझे नहीं लगता कि जब तक ये मेरे पास है मुझे एक्स्ट्रा हाइलाइटर की ज़रूरत है, क्योंकि किसी को भी नहीं होती है कि 10 हाइलाइटर आप अपनी वैनिटी में रखिए। आप एक हाइलाइटर से भी अपना काम चला सकती हैं, क्योंकि अप्लाई करने के बाद कोई नहीं बता सकता है कि आपने किस ब्रांड का हाइलाइटर अप्लाई किया है। सब हाइलाइटर का काम यही होता है कि वो आपकी स्किन को ग्लोई और अट्रैक्टिव बना देता है, बस। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है पॉन्स का सुपर लाइट जेल और इसका प्राइस है 149 रुपीज़, जिसमें कि आपको 73 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। वैसे ये मेरा थर्ड टब है, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा बट मैं बता दूं कि ये मेरा थर्ड टब है, मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया उसके बाद ही ये मेरी फेवरेट लिस्ट में इंक्लूड हो गया। अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है तब भी ये आपको पसंद आएगा, और अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तब भी आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि ये जेल मॉइस्चराइजर है और मेरी स्किन जो है वो ऑयली, पिंपल और एक्ने प्रोन है, तो मेरी स्किन के लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्किन पे काफ़ी लाइट वेट रहता है, बिल्कुल भी स्किन हैवी या ग्रीसी चिपचिपी सी फील नहीं होती है। और अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने हैं, ब्रेकआउट है, तब भी आप इस मॉइस्चराइजर को यूज़ कर सकती हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आपके पोर्स को भी क्लॉग नहीं करेगा। तो फिलहाल मुझे तो ये मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा पसंद है और पसंद है इसी वजह से ये मेरा थर्ड टब है। नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट की, जो कि है एक सीट मास्क, और ये है इनिसफ्री का सीट मास्क। आई नो कि बहुत सारे लोगों को सीट मास्क नहीं पसंद है, लेकिन कुछ टाइम पहले ये बहुत ट्रेंडिंग था सीट मास्क को यूज़ करना। और अगर सीट मास्क की मैं बात करूँ तो मैंने काफ़ी सारे ब्रांड के सीट मास्क ट्राई किए हैं, जिनमें से मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है इनिसफ्री का। और इसमें मैंने 10 सीट मास्क बाई किए थे अलग अलग वेरियंट के, कुछ ग्रीन टी थे, कुछ टी ट्री, कुछ लेमन, कुछ राइस वाटर, अलग अलग टाइप के सारे ही सीट मास्क मैंने ट्राई किए और सारे ही सीट मास्क मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हैं। इस एक सीट मास्क का प्राइस है 100 रुपीज़। वैसे बहुत सारे ब्रांड में सीट मास्क आते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने खुद भी कई सारे सीट मास्क ट्राई किए हैं, कई सारे ब्रांड के सीट मास्क मुझे अच्छे लगे, ऐसा नहीं है सारे बुरे हैं, लेकिन इसमें मैंने जितने भी वेरियंट ट्राई किए हैं सारे ही वेरियंट का वर्क मेरे लिए अच्छा रहा है, इसलिए मुझे इनिसफ्री का सीट मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है और यही रीज़न है कि मैंने इसे अपनी फेवरेट लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो ये थे मेरे टॉप 15 ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर सब कुछ था इसमें।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप में से कितने लोगों को इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो पसंद है वो भी जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर शेयर करिएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसने आपके लिए अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि मुझे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें जाननी है। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया है कि हर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप के लिए नहीं होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आप मेरे सारे वीडियोस देख सकें। इसके साथ साथ आप मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकती हैं। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।